सही जाए ना, चूमो हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना, आ जाना तू मेरे पास। बैक इन एश मेकअप पैराडाइज, यर आसपा निकल्स वेलकम यू बैक इन माई चैनल इन अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ हेयर कलरिंग के ऊपर में वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले भी प्रीवियसली वीडियोज में डाला है, आई गेस फरवरी के टाइम पे, कि मैं अपना हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की थी। ब्लैक मेरा ओरिजिनल हेयर कलर है, उससे मैंने यहाँ पे ओम्ब्रे रेड में हेयर कलर किया था। तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि इसका कलर है काफी हद तक खत्म हो चुका है, ये समवट कॉपरिस ब्राउन टाइप के कलर में आ चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल भी देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप देख सकते हो। मैंने बस यहाँ से नीचे तक टिप वाले एरिया में हेयर को कलर किया था, या ग्लोबल कलरिंग या फैशन या क्या बोलते हैं उसको, फंकी कलर्स मैंने अप्लाई किए थे। ठीक है, तो उस वक्त मैंने अप्लाई किया था क्रेजी कलर का रूबी रूज एंड हॉट पर्पल मिक्स करके मैंने कलर अपने हेयर में अप्लाई किया था। काफी अच्छा उसका पे ऑफ आया था, पिगमेंटेशन भी काफी अच्छा था, एंड सबसे बड़ी बात कि उसका लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज्यादा था। वो यानी कि कलर आप ले सकते हो क्रेजी कलर, जो कलर है उसका लास्टिंग पावर काफी अच्छा है बाकी कलर्स के कंपैरिजन में, तो मुझे काफी अच्छा लगा था। तो आई गेस 1.5 मंथ के अराउंड मेरा कलर फेड आउट हुआ। उसके बाद फिर मैंने एक कलर ट्राई किया जो कि था एनेगा की तरफ से, वो मैंने फायर रेड ट्राई किया, तो वो अराउंड मुझे 80 रुपीज का पड़ा था। कंपेरिजन टू क्रेजी कलर उसका प्राइस अबाउट 760 और समथिंग जाता है, या 750 अराउंड इसके में जाता है क्रेजी कलर का प्राइस। एंड एनेगा का जो मैंने ट्राई किया था वो जैसे कि हमारा गार्नियर का कलर होता है उस तरीके का वो कलर था, एंड वो मुझे 80 रुपीज का पड़ा था। बट अगर मैं बात करूँ लास्टिंग का, तो एनेगा का कलर लास्ट नहीं किया था कंपेरिजन टू द कलर क्रेजी कलर वन, तो वो काफी ज्यादा लंबे टर्म तक लास्ट किया कलर, एंड कलर पिगमेंटेशन बहुत ही गॉर्जियस था। आप लोगों को ज्यादा पसंद आया था रूबी रोज कंपैरिजन टू फायर रेड। फायर रेड बहुत ज्यादा ब्राइट रेड था बट फेड काफी जल्दी होता है, तो मैंने 2 बार उसे अप्लाई किया फायर रेड को, एंड उसके बाद अब जब मेरा पूरा कलर फेड आउट हो चुका है तो यहाँ पे ऐसा कलर है। एंड फायर रेड के बाद फिर मैंने एक और कलर ट्राई किया था जो गार्नियर ब्लैक का था, बर्गंडी ब्लैक, नेचुरल ब्लैक फ्रॉम बर्गंडी, तो उस टाइप का कलर था वो ट्राई किया था मैंने। उसे भी मैंने रेड के साथ मिक्स करके किया था, तो कुछ इस तरीके का कलर है, एंड फेड आउट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। तो आज फिर हम हेयर कलरिंग करेंगे। तो हेयर कलरिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज हम क्या प्रोडक्ट इसमें यूज करने वाले हैं, कौन सा कलर मैं यूज करूंगी, एंड क्या क्या स्टेप्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड अगर हाँ आप न्यू हो मेरे चैनल में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना, मुझे कमेंट करना ना भूलना। एंड ऑल्सो मैं वीडियो जो मेरा प्रीवियस था हेयर कलरिंग के ऊपर उसका लिंक डाल दूंगी यहाँ पे आई बटन में, तो वहां से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हेयर कलरिंग के ऊपर में, तो जो 2 कलर हम आज ट्राई करने वाले हैं वो है स्ट्रिक्स के तरफ से। तो जैसे कि आपको मैंने पता है मेरे नायका के हॉल में मैंने परचेज किया था स्ट्रिक्स प्रोफेशनल के तरफ से यहाँ पे ग्लोरियस ग्रीन एंड वंडर ब्लू 2 कलर। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे फंकी कलर्स काफी पसंद है, एंड ये फंकी सीरीज के कलर्स में से आते हैं। एंड मुझे ये 100 ग्राम्स का पैकेट मिला है, एक एक का ये 100 ग्राम है इफ आई एम करेक्ट देन। तो या ये 100 ग्राम का पैकेट है, मुझे पे करना पड़ा था 300 समथिंग, लेकिन MRP इसका 450 है। तो 2 कलर्स मैंने परचेज किए थे क्योंकि मुझे सी ग्रीन टाइप के हेयर्स चाहिए थे, तो मैं इसे मिक्स करके 2 कलर को मिक्स करके हेयर का ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली हूँ आज। तो कलरिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कुछ आप लोगों को स्टेप्स एंड प्रिकॉशन जो हमें लेना है। तो पहले भी वीडियोस में आप देख चुके हो कि मैंने प्रिकॉशंस लिए हैं एंड बनाए थे अपने हेयर का जो कलरिंग है वो प्रोसेस किया था मैंने, मैंने किया था अपने हेयर का कलरिंग। तो उससे पहले क्या किया था हम लोगों ने कि अपने हेयर को लाइटनिंग दिया था, यानी कि प्री लाइटनिंग। अगर आपका डार्क कलर है जैसे कि डार्क ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, ठीक है, ब्राउन में भी डार्क ब्राउन हो गया, तो अगर इस तरीके का कलर है आपका तो प्री लाइटनिंग हम करते हैं। अगर आपको ब्राइट कलर शो करना है, लाइक जैसे कि मेरा पहले वीडियो आप देखा होगा आप लोगों ने, तो मैंने रेड कलर में ट्रांसफॉर्म किया था यानी कि रूबी रूज में, तो उसके लिए हम पहले अपना हेयर को प्री लाइटनिंग करते हैं ताकि वो कलर एग्जैक्टली रेड ब्राइट नजर आए।
तो इसलिए हम प्री लाइटनिंग करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारा ब्लीच जो हेयर के लिए होता है। तो यहाँ उस वक्त मैंने यूज किया था यही इलियम का क्रीम डेवलपर एंड स्ट्रिक्स का ये अल्ट्रा ब्लॉन्डर पाउडर यानी कि स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का। ये है अप टू 7 लेवल का लिफ्ट एंड यहाँ पे मैं यूज करती हूँ 9% 30 वॉल्यूम का डेवलपर। तो इन दोनों को मिक्स करके हम अपना हेयर ब्लीच करते हैं। तो इसका वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी एडेड है तो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगी इस वीडियो में। आप अगर देखना चाहते हो कि प्री लाइटनिंग अपने हेयर को कैसे करें तो उसका वीडियो लिंक यहाँ पे होगा आई बटन में, आप वहां जाकर के वीडियो को देख सकती हो कि मैंने कैसे ब्लीच किया था, कितना हमें क्वांटिटी रखना है, कैसे करना है, क्या प्रिकॉशन लेने हैं। एंड ब्लीच का सबसे मेन स्टेप हम लोग को याद रखना है कि आपका जो भी ब्लीच करें आपका जो रूट है यहाँ पे हेयर का, इस रूट को वो टच ना करे, क्योंकि अगर वो टच करता है तो आपका हेयर डैमेज जाएगा एंड बाद में आपको हेयर लॉस का भी प्रॉब्लम होगा। तो मैंने जो कलरिंग किया था या ब्लीच किया था तो मैंने अपने हेयर के हाफ एरिया में किया, मैं रूट्स को बिल्कुल भी टच नहीं किया। अपना ब्लैक हेयर को मैंने जहां से मेरा ग्रोथ है वहां से आप देख सकते हो नेचुरल ब्लैक ही है, बट मैं बस डाउन यहाँ पे हाइलाइटिंग की हूँ, ठीक है। उसके लिए मैंने ये डेवलपर यूज किया था। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ, प्री लाइटनिंग करना होता है हमें, ठीक है। अब बात करें कलरिंग के बारे में, तो कलरिंग पहले भी मैंने किया है तो आज मैं बता दूं आपको स्ट्रिक्स का जो प्रोडक्ट लिया है उसके बारे में कि एग्जैक्टली मुझे कितना क्वांटिटी मिला, कितना पे। आप क्वांटिटी पता है, आपको प्राइस पता है, अब देखते हैं इसे ओपन करके कि एग्जैक्टली ये किस तरीके के फॉर्म में आता है। तो यहाँ मैं वंडर ब्लू के पैकेट को ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे आपको लिखा दिखता है स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का होल्ड एंड प्ले वंडर ब्लू, और काफी अच्छा पैकेजिंग है, नो डाउट बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट लिस्ट मिलते हैं एंड इसमें एक और चीज है कि ये कलर अमोनिया फ्री है, परऑक्साइड फ्री है, ठीक है। तो ये आपको क्लेम मिलता है इसकी तरफ से एंड जहां का मैन्युफैक्चरिंग है वो है, क्वांटिटी है एंड ऑल्सो यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिस्ट है एंड शेड्स है, तो आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट इसके बैक साइड में देखने के लिए मिल जाएगा एंड ऑल्सो इसका डायरेक्शन दिया हुआ है कुछ कुछ कि आपको कैसे कैसे करना है यूज इसे। इसमें लिखा हुआ है शैम्पू हेयर एंड ड्राई कम्प्लीटली, आपको शैम्पू वॉश कर लेना है, हेयर को ड्राई कर लेना है। प्री लाइटन हेयर अप टू डिजायर्ड लेवल, लेवल 8, तो 8 लेवल तक अपना प्री लाइटनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ब्लॉन्डर लिया है ये लेवल 7 तक का है, एक लेवल कम है तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो ब्लॉन्डर पाउडर से आपको कर लेना है प्री लाइटनिंग। फिर इसे अप्लाई द कलरेंट क्रीम ऑन प्री लाइटेड एरिया एंड स्प्रेड इवनली, आपको ये जो कलर लाइटनिंग क्रीम है इसको आपको लेना है एंड डायरेक्टली अप्लाई करना है। इसमें कोई भी डेवलपर हमें ऐड नहीं करना, जैसे कि आपने देखा होगा गार्नियर का जो हमको मिलता है कलरिंग, उसमें डेवलपर और उसका कलरिंग एजेंट रहता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मिक्स है, ये सिंगल ट्यूब में है, इसको कुछ भी डेवलपर का जरूरत नहीं है। आप इसको ओपन करते हो, उसके बाद यहाँ पे है 30 मिनट्स तक रख करके फिर हमें धो देना है एंड ब्लो ड्राउट एंड फिनिश, यानी कि ब्लो ड्राई करके आपको खत्म, आपका हो गया, फिनिश हो गया कलरिंग। अब उसके बाद आप अगर इसे ओपन करेंगे पैकेजिंग को, ठीक है, तो इस तरीके का पैकेजिंग इसका रिसीव होता है, ये ट्यूब्स के फॉर्म में आता है, ठीक है। 100 ग्राम प्रोडक्ट हमें मिला है, यहाँ पे सेम उसी तरीके का पैकेजिंग है, कलरफुल डॉट्स के साइड में, यहाँ पे अगेन कॉशन प्रिकॉशन नोट और कैसे यूज करना है वो सब दिया हुआ है, ठीक है। और नेट क्वांटिटी है तो अगेन आपको यहाँ पे वही चीज मिलता है एंड काफी अच्छा पैकेजिंग है एंड यहाँ पे आप कैप ओपन करते हो उसके बाद ये आपको शील्ड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पतला सा फॉइल लगा हुआ है एल्युमिनियम का, इसे हटाओगे आपको तो आपको अपना जो रिक्वायर्ड कलर है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके का कुछ पैकिंग है और सेम अगर मैं ग्रीन को भी ओपन करूँ तो सेम इसी तरीके का सेम पैकेजिंग इसका भी है, तो दोनों का सेम पैकेजिंग है, ट्यूब के फॉर्म में है, आप देख सकते हैं काफी अच्छा है एंड स्ट्रिक्स प्रोफेशनल की तरफ से है। एंड मैं बहुत दिनों से खोज रही थी कि इंडिया में कुछ ऐसा लॉन्च हो ताकि फंकी कलर्स हम अप्लाई कर सके, तो आप पार्लर्स में जाओ तो वहां भी कलर्स रहते हैं, वहां भी करा सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि पार्लर में वेस्ट ना करो मनी, ठीक है, आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख करके ट्राई कर सकते हो एंड सारे प्रिकॉशंस मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। एंड हाँ, ये कलर डायरेक्टली हम अपने हेयर प्री लाइटेंड हेयर में अप्लाई करेंगे, ठीक है, हमारा कोई भी इसमें डेवलपर या कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। मैंने यहाँ पे अपना हेयर आप देख सकते हो जिस तरीके का ये हो चुका है, इसमें प्री लाइटिंग करूंगी तो उसका वीडियो इसमें नहीं रहेगा, उसका वीडियो मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, इसमें मैं प्री लाइटिंग का वीडियो नहीं ऐड कर रही हूँ। मैं डायरेक्टली आपको हेयर कलरिंग दिखाऊंगी कि हेयर हम कैसे कलर करेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड फैन यहाँ पे है जो आवाज कर रहा था अभी थोड़ी देर, मैं कंफ्यूज हो गई कि पता नहीं क्या हुआ। एंड हाँ, लेट वीडियो आने का इशू यही है कि मेरा फोन जो है उसका कैमरा, बैक कैमरा टूट चुका है। एंड इसके लिए मैं बहुत ज्यादा माफी मांगती हूँ आप लोग से, क्योंकि बहुत दिन हो गया कि मैं वीडियोज डाल नहीं पाई, क्योंकि मैं ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि मेरा कैमरा खराब हो गया। एंड पता है आप लोगों को कि अगर कैमरा अच्छे से नहीं चले तो वीडियो भी नहीं बनेगा, वीडियो नहीं बनेगा तो वीडियो जाएगा कहाँ से। तो फिर मैंने अपना कैमरा दिया है बनने के लिए, ये मैं अपनी मम्मी के फोन से बना रही हूँ वीडियो को। देखती हूँ मैं कैमरा बन के आ जाएगा तो ठीक है फोन का, उसके बाद मैं वीडियोस बनाऊंगी। मेरे पास DSLR भी है लेकिन माइक का इशू की वजह से मैं DSLR से शूट नहीं करती हूँ। उसका माइक मैं अगर परचेज कर लूंगी तब उसके बाद ही मैं शूट कर पाऊंगी उसके साथ में। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, हमारा फंकी हेयर का वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन। एंड मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा एंड ये स्ट्रीक्स के कैसे लगे। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कलर्स को ट्राई करने के लिए। एंड सी कि मैंने अपना हेयर को यहाँ पे ब्लीच किया है और इसे मैंने यहाँ पे टाई अप किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा प्री लाइटनिंग प्रोसेस चल रहा है, तो मैं आती हूँ उसे वॉश करके। हाँ, जब भी आप कुछ ऐसा प्री लाइटनिंग या कलरिंग करो तो इस तरीके का फटा पुराना टी शर्ट पहन के करें, ठीक है, ताकि आपका जो ड्रेस है वो खराब ना हो। मेरे पास यही एक फटा पुराना कपड़ा था तो मैंने इसे पहन लिया है। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ इसे वॉश कर लूँगी शैम्पू से, और उसके बाद हम अपना कलरिंग स्टार्ट करेंगे जो कि हमें यूज़ करना है स्ट्रीक्स का ये कलर। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, मैं आती हूँ उसे वॉश। तो यहाँ पे मैंने अपने हेयर को प्री लाइटनिंग कर लिया है और प्री लाइटनिंग के बाद कुछ इस तरीके का मेरा हेयर नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ का तो कलर जा चुका है लेकिन ये जो एरिया था, इस वाले एरिया में रेड कलर ज़्यादा तो निकाल नहीं पाई, जितना पॉसिबल था उतना मैंने निकाल लिया है इसे प्री लाइटनिंग के बाद। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना हेयर कलरिंग। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्लव्स, ठीक है, ये मैं अपने हैंड में वेयर कर लूँगी। और इसके साथ में मैं मिक्स करूँगी यहाँ पे ग्रीन और ब्लू को, तो कुछ बहुत ग्रीन ब्लू का शेड आ जाएगा। तो मैं ब्लू लूँगी कंपैरिजन, अगर मैं 3% ग्रीन का ले रही हूँ इसका तो मैं 1% ब्लू का ऐड करूँगी उसमें, और उसके बाद मैं कलर को मिक्स कर लेती हूँ। तो चलिए मिक्स करते हैं और फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपना कलरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हेयर कलरिंग। पहले इस तरीके से ना पार्टीशन कर लेना है आपको, ताकि आपका जो हेयर इक्वली से डाई हो। तो इस तरीके से पार्टीशन करने के बाद आप अपने बाल को एक साइड करके आप 1/2 को आप चाहे तो पोनी कर लीजिए या तो फिर क्लचर कर लीजिए या इस तरीके से बन क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। तो ये बन हो गया मेरा। अब ये फर्स्ट हाफ में यहाँ पे मैं अपना हेयर कलर को डिपॉजिट करूँगी, ठीक है। तो ये मैं इसको डिटेंगल्स कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें हेयर कलरिंग स्टार्ट करती हूँ। तो उससे पहले मैं ये ग्लव्स वेयर कर लूँगी और चलिए मिक्स करती हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं सारा। यहाँ पे मैंने स्ट्रीक्स के ग्लोरियस ग्रीन को 3rd पोर्शन लिया है और 1 पोर्शन लिया है यहाँ पे मैंने वंडर ब्लू के कलर को, और इसे मैंने मिक्स कर लिया दोनों को। और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लाइटिंग स्टार्ट हुआ है। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ ब्रश के हेल्प से, और अच्छे से मैं इसे अप्लाई कर लूँगी उस वाले एरिया में। एंड उसके बाद जो रेस्ट मेरा बाल बचेगा उसमें मैं अप्लाई करूँगी जो मेरा ग्रीन है, यानी कि ग्लोरियस ग्रीन कलर है वो। एंड बीच बीच में हल्का सा शेडिंग दूंगी मैं वंडर ब्लू कलर का। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो कलर आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके आइज़ में ना लगे, क्योंकि उससे आपको इरिटेशन होगा। एंड जब भी ऐसा कुछ हो तो तुरंत अपना आइज़ वॉश कर लें। एंड यहाँ पे मैं अपने हैंड्स को बचाने के लिए ग्लव्स भी यूज़ की हूँ, और आप देख सकते हैं मैं स्ट्रोक्स को किस तरीके से अच्छे से बालों को मसाज दे रही थी अपने हैंड्स से, ताकि कलर अच्छे से डिपॉजिट हो जाए। एंड उसके बाद अब आप देख सकते हैं दोनों साइड मेरे हेयर से मैंने डिपॉजिट कर लिया जो मिक्स किया था मैंने ब्लू ग्रीन को। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं डाउन में अप्लाई कर रही हूँ डायरेक्ट, आप देख सकते हो मैंने कोई भी डेवलपर यूज़ नहीं किया इसमें। एंड डायरेक्ट यहाँ पे मैं टिप ऑफ माय हेयर में अप्लाई कर रही हूँ ग्रीन कलर। एंड इसे मैं अच्छे से इवनली अपने हेयर में स्प्रेड कर लूँगी और अच्छे से कोट कर लूँगी कलर से, ताकि जो मेरा ब्लीच हेयर है वो अच्छे से कलर इसमें आ जाए और पिगमेंटेशन अच्छा इसका नज़र आए। तो बहुत ध्यान से आपको पेशेंस रखते हुए करना। मैंने अपना हेयर कलरिंग कर लिया है कंप्लीट, आधा मैंने पिस्टो से कराया था, तो यहाँ पर देख सकते हो पीछे पूरा हेयर कलरिंग हो गया है। अब ये जो रैपर मैंने यहाँ पे टक इन किया है इससे मैं बाल को कवर कर लूंगी, और उसके बाद मैं इसे छोड़ूंगी 30 मिनट्स के लिए, उसके बाद मैं वॉश करके आपसे मिलती हूँ इसके आगे।
सो दिस इज द पिगमेंटेशन गाइस, यू वॉश करने के बाद कुछ ऐसा इसका पिगमेंटेशन है। डे लाइट में काफ़ी ब्यूटीफुल इसका पिगमेंटेशन आता है। ये भी मैं इनडोर इसे सूट कर रही हूँ तो मे बी शायद कलर डिफरेंस होगा, बट आई विल एड द पिक्चर्स, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि कैसा पिगमेंटेशन है। एंड काफ़ी गॉर्जियस इसका ब्लूइश ग्रीनिश कलर आया था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये कलर, जैसा मुझे चाहिए था। एंड नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ यहाँ पे इसे करूँ, यानी कि मैं यहाँ पे हाफ ब्लैक छोड़ी हूँ, जिसके वजह से ये पिगमेंटेशन थोड़ा उतना ब्राइट नहीं शो कर रहा है। बट मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि रेड से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी एंड मुझे थोड़ा चेंजमेंट चाहिए था मेरे लुक में, जिसके लिए ये कलर काफ़ी गॉर्जियस है। तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको यह लुक कैसा लगा, एंड अगर लुक अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड ऑल्सो टू कमेंट मी डाउन बिलो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टाइप के और लुक्स के लिए। एंड हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, एंड स्ट्रीक्स का ये कलर आपको कैसा लगा, आप क्या परचेज करना चाहोगे। मुझे अच्छा लगा, जितना प्राइस उस हिसाब से उसका पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा आया, एंड मेरा कलर भी देखे थे कि यहाँ पर रेड था तो काफ़ी अच्छे से इसका कलर उस पर आया हेयर पे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस प्रोडक्ट के ले करके। एंड इसका जो पिगमेंटेशन है उससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई मैं। तो या इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड, सो डेफिनेटली ट्राई दिस कलर, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आया है इसका। एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टा, एंड जो हेयर ब्लॉन्डर का जो है उसका वीडियो यहाँ पे रहेगा आई बटन में, वहाँ से आप जाकर के देख लें। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड कीप सपोर्टिंग मी, एंड थैंक यू एंड लव यू ऑल।